कदम कदम पर मिलती तो है सुख के सपने हजार। गोपाल, तू आज खेत में नहीं जाएगा तो चलेगा? क्यों माँ? तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात भी बोल रहे थे सर घूम रहा है। गोपाल खेत में गया क्या? हाँ गया, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। कितना मेहनत करता है वो खेत में, तरह तरह का खेत भी किया लेकिन उसको हिसाब से फसल नहीं मिलता। आप यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में भी काम कभी दबाव बहुत बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी ढेर सारी योजनाएं लागू हुई है। हाँ, हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर ये योजना को पूरी कर सकेंगे। मुझे और पिताजी को जो कुछ आता था सब कर चुका हूँ लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। पर ऐसा क्यों है गोपाल? दादा, भारत सरकार योजनाओं के लिए बहुत पैसा खर्च की है, अब तो किसानों की भलाई होगी ही होगी। बुर्बक, यही तो नहीं होना चाहिए? अगर सबका हालत अच्छा हो जाए तो कौन आएगा हमारे पास पैसा उधार लेने के लिए? हाँ, आप क्या करेंगे? क्या करेगा मतलब? इसे हर हाल में बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब सोचेंगे इसके बारे में। चलो चलो चल। हाँ चलिए। सोइल हिल कटना बनाऊं? ये आपने क्या कह रहा है महाजन जी? देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोगों के भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है, जरा खुल के तो बताइए। देखो, ये एक सरकारी योजना है, सरकार ने किसान की जमीन की जांच पड़ताल के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है, इसलिए तुम लोग अभी जमीन की नमूना ले जाएंगे। मान लो जांच पड़ताल हो जाए लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जांच पड़ताल सही हुआ? गलत भी तो हो सकता है। ऊपर से सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से तुम लोग को उधर नई खेत करना पड़ेगा, तब पहले वाला खेत भी बंद हो जाएगा। उसी तरह तो तुम लोग रास्ते में आ जाओगे मुनिराम। ये आप क्या कह रहा है महाजन जी? ऐसे होने से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, फिर तो अभी को हमें दिखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे, मैं किसी को नहीं देखूंगा, और ये बात बोलने के लिए तो मैंने यहाँ आया। और एक बात, गोपाल को जरा समझा देना, और ये जो सरकारी योजना है उसमें ज्यादा घुमा फिरा ना करने तो अच्छा है। सर, गोपाल कह रहा था कि उसके जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। सोचता था कि उसके जिंदगी गरीबी में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार के इस योजना के बारे में जानकर उसे लगा कि उसे नई जिंदगी मिल गई है। हमारे सरकार ने किसान की भलाई के लिए ये योजना रखी है, अगर किसान इसका लाभ उठा सके तो सरकार का उद्देश्य सफल होगा। सर, गोपाल जल्द ही अपना मिट्टी का सैंपल भेजना चाहता है,
ये तो अच्छी बात है। गोपाल को मिट्टी का सैंपल जमा करने के लिए कल ही फॉर्म भरने दो। हाँ जरूर। ठीक है। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बेटा बेटा तो सही है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अच्छा गोपाल, हमारा मिट्टी का जो नमूना है, तूने वो किसी कार्यालय में जमा किया क्या? नहीं पिताजी, सोच रहा हूँ ज्यादा देर ना करके जल्द ही फॉर्म भर दूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा बात सुन, तुझे जमी का नमूना जमा करना कोई जरूरत नहीं। क्यों पिताजी? ना ना बेटा, मैंने कहा ना, मैं जो कहूँ वही कर। ठीक है पिताजी, आप जब इतना कह रहे हैं, इस बात को मैं दोबारा सोचूंगा, जल्दी जमा नहीं करूंगा। हाँ, दोबारा सोचो, जब तक मैं ना कहूँ जमा मत करना, ठीक है? रेखा हाँ। चल बाहर घूमने चलते हैं। आओ अंदर बैठते हैं। अरे नहीं, चलो ना बाहर घूम के आते हैं। तो फिर रुको, मैं माँ से बोल कर आती हूँ। माँ हाँ। बाहर जाके आती हूँ थोड़ा। ठीक है जाओ। पिछले कुछ दिनों से तुझे मिलने नहीं आ पाए हैं। घर में कोई ना कोई मेहमान आते ही रहते हैं। लोग सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं या इलेक्शन लड़ने, बोलना मुश्किल हो गया है। सही बात है, कोई सपक्ष पार्टी बोल रहा है तो कोई विपक्ष पार्टी बोल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की इतनी अच्छी योजना के बारे में विपक्ष कोई कैसे बोल सकता है। हाँ, मुझे जितना दूर पता है, इन सबके पीछे महाजन का हाथ है। अच्छा, जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुँचेंगे आपके गाँव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपने गोपाल को सॉइल हेल्थ कार्ड करने से क्यों रोका? वो कितना उम्मीद कर रहा था कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। ना रखूं तो क्या करूं कमला, गोपाल तो हमारा वंश का एक ही चिराग है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, पर मुझे लगता है एक महाजन सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, है ना? हाँ? कि मिट्टी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, इसकी वजह क्या हो सकता है? गोपाल ने भी अभी तक फॉर्म भरा नहीं है। हाँ, अभी तक तो भरा नहीं है। क्यों भरा नहीं आपको मालूम है? नहीं तो? उन लोगों के गांव में एक महाजन है, महाजन गांव वालों को फॉर्म भरने नहीं दे रहे हैं। गोपाल के पिताजी को भी धमकाया है, इसलिए गोपाल के पिताजी गोपाल को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने नहीं दे रहे हैं। तो वादे ही है? हाँ सर। ठीक है, एक बार महाजन से मिलने जाएंगे हम दोनों। नमस्ते। हाँ नमस्ते, आइए आइए अंदर। नहीं नहीं, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए। लेकिन ये सब आप क्यों कर रहा है, ये सब अच्छा नहीं क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भला सरकारी योजना के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ सर, किसान के भलाई के लिए ही तो ये है। जी बात सही है,
ये बात आइंदा आपको याद रहेगा तो अच्छा होगा। याद रहूंगा। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं। हेलो। हाँ, मैं गोपाल का माँ बोल रहा हूँ। अच्छा, गोपाल अनिल देखा का जो दोस्त गोपाल। हाँ, हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आऊंगी। हाँ जरूर आइए। हाँ ठीक है। हाँ, धन्यवाद सर। आइए आइए। ऑफिस जाएंगे, ये बात तो मैं सोचा ही नहीं था। हाँ, तेरे पिताजी को महाजन ने डराया था, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए था, इसलिए हम दोनों ही ऑफिस गए और सॉइल हेल्थ कार्ड फॉर्म भरकर ही लौटे। ठीक किया माँ। मुझे सॉइल हेल्थ कार्ड मिल गया है। हमारे जो पीछे जमीन है ना, उसमें उद्यान खेत अच्छा होगा, इसलिए मैं वहाँ उद्यान खेत करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। पिताजी, देखिए चारों तरफ। तुम जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के बाद ये काम किया है, बहुत अच्छा किया। हाँ। है, इससे तुम्हें बहुत ही प्रॉफिट होगा। और अब दिसंबर से फरवरी तक ये बेर का सीजन है, इसे अच्छी तरह से करोगे। हाँ हाँ, तो तुम्हें 4 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। 4 लाख रुपया? हाँ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गोपाल, हाँ अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया है। आज मैं बाजार आया था, यहाँ पे जो थाईलैंड का बेर है इसका बाजार में सेल बहुत अच्छा हो रहा है, इसका बाजार में अच्छा कीमत भी मिलता है। हाँ अच्छा, अगर तुम चाहो तो और बेर दे सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस भी अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, तुम वही करना। ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। गोपाल, तुमने कैप्सिकम का जो खेती किया, सोयल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद तुमने कैप्सिकम का भी खेती किया। सुनो, उसका भी आजकल मार्केट में बहुत चाहिदा है। एक काम करो, जितना भी कैप्सिकम है तुम यहाँ भेज दो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। दे दिए? हाँ हो गया। कितना हुआ? ये लो। हाँ गोपाल। हाँ। कांग्रेचुलेशन। हाँ, तुम्हारा जो बेर का सैंपल था, हाँ, वो मैंने बाहर भेजा था। अच्छा। उसका आज बहुत सारा ऑर्डर मिला है। अच्छा? हाँ। आपके कारण ये सब हो पाया। कोई बात नहीं। हाँ। बाजार देख लिया? हाँ, मैं और देखता हूँ। ठीक है? हाँ। ठीक है। पिताजी,
उद्यान खेत से मुझे लगभग 80,000 प्रॉफिट मिला है और 2,50,000 रुपया का अर्दर भी मिला है। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। सरकार को भी हमें कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ पिताजी, अब रेखा को बहू बनाकर ले आओ तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ क्यों जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे कमला, खुशी की ही तो बात है। सोचो तो, एक दिन एक एक पैसा को लिए हम तरस रहे थे, आज बेटा ने क्या कर दिखाया। इतना परिश्रम किया और ये तो सॉइल हिल कट के जरिए इतना कुछ कमाया, अब कोई हम लोग का अभाव नहीं रहा। इतना धूमधाम से बेटा ने शादी की है और आज अपना पैसा से अपनी पत्नी को लेके आवाज जहाँ से बाहर जा रहा है। ईश्वर की कृपा से। कदम कदम पर निहित है सुख के सपने हजार। Because